हेलो गाइस, दिस इज़ ब्रूस प्रो और आज हम बात करेंगे चिमाजी अप्पा के बारे में। उन्हें चिमनाजी अप्पा कहके भी पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम श्रीमंत चिमाजी बल्लाल भट्ट था। उन्हें लोग चिमाजी बल्लाल पेशवा के नाम से जानते थे। उनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ भट्ट था और माँ का नाम राधा भाई। पहले बाजीराव पेशवा उनके बड़े भाई थे। उनकी पत्नियों का नाम था रखमाबाई और अन्नपूर्णा और सदाशिवराव भाऊ उनके पुत्र थे। चिमाजी अप्पा का जन्म 1707 में हुआ। उनके बड़े भाई बाजीराव पेशवा ने उन्हें राजनीति और रणनीति से उनका परिचय कराया। चिमाजी अप्पा और बाजीराव पेशवा इस जोड़ी को कभी कभी राम लक्ष्मण कहा जाता है। चिमाजी अप्पा ने अपने कार्यकाल में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। उनके इस कार्यकाल के बारे में आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। 1720 में चिमाजी अप्पा ने पुर्तगीज के हाथों से कल्याण को मुक्त कराया। 1730 में धीरे धीरे ठाणे और सालसेत द्वीप के किले हासिल किए। इनमें पारसिक, त्रांगीपारा, अरनाला, मनोर और बेलापुर के किले भी थे। पुर्तगीज की सेना उस वक्त गुजरात के पश्चिमी तट पर अपने विशाल सेना के साथ खड़ी थी और इन सब में उन्हें वसई के किले का बहुत सहारा था, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। इसीलिए चिमाजी अप्पा ने उनकी उसी ताकत को तोड़ना चाहा, जिससे उनकी सेना कमजोर पड़ सके। उन्होंने 2 साल तक वसई किले के लिए पुर्तगीज सेना से युद्ध किया और आखिर में पुर्तगीज को हरा कर वसई किले को जीत लिया। वसई किले को पुर्तगीज से जीतने के लिए उन्होंने पहले अरनाला किले पर कब्जा करने का सोचा, इसलिए उन्होंने वहां के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, जिससे उन्हें लड़ाई में उन लोगों की मदद हो सके। गोविंद जी कासार और गौराजी पाटिल इन लोगों को अपने साथ मिला लिया। वह 400 मराठाओं की सेना को लेकर खुशकी के मार्ग से गए और समुद्री रास्ते से नाव द्वारा मानाजी आंगरे ने उन्हें अरनाला किले तक पहुंचाया और वहां जाकर उन्होंने पुर्तगीज सेना पर हमला कर हमले से अनजान सेना को हराया। फिर 28 मार्च 1737 को मराठाओं की सेना ने चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में वसई पर हमला किया। किले को चारों ओर से घेर के पुर्तगीज सेना को किले में ही फंसा लिया। इसके साथ ही उन्होंने गुरीला चाल भी चालू रखी। पुर्तगीज सेना ने अपने तकनीकी उपकरणों से मराठों की सेना का बहुत बड़ा नुकसान किया, पर इससे वह पीछे न हटे और उन्होंने समुद्री रास्ता बंद किया। उनका खाना भी अंदर जाने से बंद किया। सन 1739 में चिमाजी अप्पा ने किले पर हमला किया। नारोशंकर दानी, मानाजी आंगरे और गिरमाजी कानिटकर इन सरदारों ने आखिर में पुर्तगीज सेना को हार स्वीकारने पर मजबूर किया और इस तरह उन्होंने चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में वसई का किला हासिल किया। बाजीराव पेशवा के शासनकाल में चिमाजी अप्पा ने गुजरात के पश्चिमी तट को पुर्तगीज से मुक्त कराया। 1739 में उन्होंने पुर्तगालियों को बास्ती में भी हराया। इसके अलावा सन 1736 में चिमाजी अप्पा ने जंजीरा के सिद्दियों को भी पराजित कर दिया। पुर्तगीज धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए भी मजबूर कर रहे थे। चिमाजी अप्पा ने उन सब लोगों को पुर्तगीज के शासन से मुक्त किया और उन्हें फिर से अपने धर्म को अपनाने की छूट दी। जिन्हें वापस अपना धर्म स्वीकारना था उनके लिए खुद पंडितों को बुलाकर उनका धर्म बदलने में उन्हें साथ दिया और जिन्हें नहीं बदलना था उन्हें अपने धर्म में ही रहने दिया और धर्म की स्वतंत्रता दी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिर बनवाए। बाजीराव पेशवा की तरह उन्हें भी अच्छे से रणनीति और युद्ध नीति का ज्ञान था। उन्हीं की तरह चिमाजी अप्पा ने युद्ध में मराठाओं का वर्चस्व हर जगह निर्माण किया। चिमाजी अप्पा की 1740 में रावेरखेड़ी की नदी के किनारे मृत्यु हो गई। उनके साथ उनके भाई बाजीराव पेशवा भी थे। वसई के किले पर उनकी याद के स्वरूप में उनका स्मारक बनाया गया है। चिमाजी अप्पा के पुत्र सदाशिव राव भाऊ आगे चलकर पेशवा बालाजी बाजीराव के दीवान नियुक्त हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।